तो दोस्तों हम लोग खेल रहे थे बास्केटबॉल और अचानक से यहाँ पर हो गया बारिश और हम लोग अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं बजरंग में। और देखो कितने लोग हैं, देखो ये सब हैं बडीज। हेलो ब्रो। हेलो ब्रो। तो आज दोस्तों आप लोग देखोगे हमारा यहाँ से भिड़ तक का सफ़र कि हम बारिश से बचते हुए कैसे जाते हैं। खैर अभी काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है, आवाज़ तुमको आई रही होगी, तो बस बारिश से रुकने का इंतज़ार करना है। जैसी थोड़ी सी कम होती है फिर सीधा चलते हैं। गाइज मुझे लग रहा है कि बारिश स्लो हो गई है। अबे बारिश रुक गई है, कहाँ बैठे हुए हो अंदर? मुझे लग ही रहा था बारिश स्लो हो गई है, अगर खाली टीन में आवाज़ ही आवाज़ आ रही है इतनी ज़्यादा, उतनी देर से रुके हुए थे। चलो यहाँ से अभी हम लोग प्रस्थान करते हैं फटाफट अपने गांव घर की तरफ को। हाँ वहाँ बैठे बैठे गर्म हो रहा, मैंने तो कपड़े पहन ही रखे हैं देखो। कभी भाई जैसे ही पता चल रहा था कि बारिश रुक गई है, दोबारा बारिश शुरू हो गई है। और भाई तुम छाता क्यों नहीं लेके आते हो दौड़ने के लिए? हम अग्निवीर यार, अग्निवीर अभी भी नहीं गई, उम्मीद अग्निवीर की कच्चे यार बुरा। और देखो यार सामने से कई सारी गाड़ियां आ रही हैं, हवा तुमको लगी रही होगी। और मैं बताऊं, कोई अगर बाहर से देख रहा है, राजस्थान साइड से देख रहा है ना, ऐसी ठंडी हो रही है ना, क्या बताऊं तुम लोग को। पानी ना भाई, एक टाइम आएगा राजस्थान भी जाएगी वीडियो मेरी, और कहीं जाएगी हर जगह जाएगी। ये हाथ हाथ ठंडे हो रहे हैं यार, देखो ये अंगूठा बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, सारी उंगलियाँ ठंडी हो रही हैं भाई, क्या बताऊँ मैं। और काफ़ी देर की पैदल मार्च करने के बाद हम लोग आखिरकार TCP के बाहर पहुँच ही गए हैं। और नीचे साइड तेज़ बारिश हो रही थी, यहाँ पे बहुत स्लो हो गई है बारिश, यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है बारिश का प्रकोप। ऐसा होता है कभी कभी ना, बजरंगी की तरफ को कासनी की तरफ को ज़्यादा बारिश हो रही होती है, बट यहाँ साइड जैसे ही आओ, जैसे ही मतलब भीड़ में पहुँचो, तो इस तरफ को उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही होती है। कुछ तो है मैकेनिज़म यहाँ पर मतलब। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मॉल हैं, बोलो यार भाई यार नहीं नहीं भाई और अभी हम लोग पहुँच रहे हैं मॉल, पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर तो लाइट दिख नहीं दिया मेरे को, देखो पूरा एरिया अंधेरे में, बस पूरा का पूरा अंधेरे में है, तो लाइट पता नहीं है नहीं है, उस चीज़ का भी पता नहीं है, तो घर जाना पड़ेगा फटाफट। ये देखो भाई दिवाली की सजावट शुरू होने लग गई है, यहाँ पर तो कमी है मॉल की तरफ को, ज़्यादा सजावट बना रखी है इन लोगों ने, मॉल ऑल जो है ना दिवाली की बिल्कुल तैयारी हो ही गई है। और तो बस अभी मैं मॉल के बाहर पहुंचने ही वाला हूँ, मॉल के बाहर जैसे ही पहुंचता हूँ ना फिर मिलते हैं तुम लोगों से, उस तरफ उजाला ही उजाला होगा देखना, यहाँ पे जितना अंधेरा है ना इधर के हिसाब से बहुत उजाला होगा। और चलते चलते आखिर हम पहुंच गए हैं आई लव पिथौरागढ़, देखा है नहीं तुम लोगों ने आजकल यार, वैसे ये चीज़ बंदी रहती है, पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आता क्यों, आई लव पिथौरागढ़। ओह तो काफ़ी देर के बाद चलते चलते, और ज़्यादा नहीं भीग रखा हूँ देखो, थोड़ा बहुत ही भीग रखा हूँ, इतना तो चलता है, इतना भीगना चलता है मतलब, बट घर जाके फटाफट गर्मी मेरे को कम्बल में बैठना पड़ेगा। और बस मॉल पहुँचने वाले हैं, मॉल के बाहर देखना कितना तगड़ा बना रखा है। ये देखो भाई हम पहुँच गए हैं विशाल मेगा मार्ट के बाहर करेक्ट, और दिवाली की काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है यहाँ पे, लाइट हाइट लगा दी है। और वैसे यार इस तरफ को पता नहीं है 9 बजे ही बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों, मॉल थोड़ा ज़्यादा देर तक खुले रहना चाहिए बट फिर भी जल्दी बंद हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। और देखो इस तरफ उजाला ही उजाला है, जानते हो नहीं तुम, ये देखो। और यार बिगेस्ट ऑफ़र, कुछ ऑफ़र का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऑफ़र भी चल रहे हैं शायद मॉल में, एक बार आके पता चेक कर लेना किस चीज़ के ऑफ़र चल रहे हैं। मैसेज आती है मुझे, हाँ मैसेज आती है फ़ोन में, नंबर दे रखा है ना तुम लोगों ने इसलिए मैसेज आती है, मेरे को नहीं आता। खैर मतलब कभी कभी आ ही जाता है। और ये देखो यार यहाँ पे मोमो पॉइंट बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मोमो रात के टाइम पे काफ़ी मतलब यहाँ पे भीड़ लगे रहती है, जो APS का तिराया है ना ये खासकर ये वाला, देखो काफ़ी भीड़ लगे रहती है यहाँ पे, आदमी आदमी। 9 बजे के बाद डिस्काउंट है भाई, दिखा दो मैसेज। अच्छा है क्या ये, देखो भाई मैसेज, ओ तो आ सकते हो तुम लोग। क्या बोला 9 बजे के बाद डिस्काउंट है? 9 PM के बाद नहीं यार, मतलब रात के 9 बजे बाद आना होगा यहाँ। 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आफ्टर 9 PM, 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, प्लस बिगेस्ट दिवाली गिफ्टिंग ऑफर्स। अच्छा प्लस फ्री गिफ्ट। अब एक दिन जाके देखना है, कल जाएंगे, कल या परसों। SBI में 7.5% डिस्काउंट है। ओह और यहाँ पे देखो काफी बडीज मिल गए हैं। Hey, how do you do? Traditional garments. Here are traditional garments, you know. जैसे जैसे घर के पास हम पहुंच रहे हैं, बारिश जो है बढ़ती जा रही है। ओके फिर
मिलते हैं तुमसे बाद में, ओके चलो बराते यार। इस तरफ बस तालाब ना हुई हो, बाकी जो होते हैं फ्लैश ऑन करता हूँ। रुको, दिख रहा है ना तुम लोग को भी? ठीक है, मेरे को भी दिखाई दे रहा है। बाकी इस तरफ कुछ होना होना बस ये होता है कि मतलब पानी की वजह से, बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी रह जाता है, उसकी वजह से भीग जाते हैं। बट आजकल थोड़ा बहुत यहाँ पर सही कर रखा है मतलब, तो इसलिए अब दिक्कत नहीं आती है। देखो थोड़े यहाँ पे पत्थर अत्थर खुद से ही हमारे सोनू दाने, इस घर वाले दाने लगा दिए, और अब बारिश तेज हो गई है बहुत। हवा क्या सड़ाट आ रहा है, वो तो फ़ोन मेरा IP68 की रेटिंग वाला है, तब सब चल रहा है सही सही से। अरे मेरी गाड़ी भी तो है, उसको ढकानी है मैंने। जस्ट वेट अ मोमेंट, आई एम ऑलमोस्ट हियर यू नो। और दरवाजा करो बंद, और इधर है मेरी गाड़ी। हाउ इज सी डूइंग? एक तो नहीं रखी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हल्का फुल्का, जिससे कि बस पानी ना गिरे इसमें, बाकी तो सब ठीक है। चलो ओके, चलो फाइनली हमारा मिशन पूरा हुआ। इतनी देर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं घर, और कैसा लगा सफ़र बजरंग से भेड़ तक का, बताना मेरे को ज़रूर तुम। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहे मेरे साथ हमेशा, ठीक है, ऐसी अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहूँगा तुमको। तो मिलेंगे अब बाद में तुमसे, गुड बाय। कपड़े भीग गए हैं, इनको साइड में लटका के रख देता हूँ कहीं पे, एक खिड़की में लटकाना पड़ेगा, या ऐसे ही रख दूँ? छोड़ो अपने आप रहते हैं ऐसे ही, बक्से में कुछ नहीं होता वैसे भी। रोटी बनानी है मैंने जाके, चलो भाई रोटी बनाते हैं। ये देखो मैंने सब सेट करके रखा हुआ है, आटा आटा भी गूंथ दिया है, बस इसको जला के इसमें रोटी पकाने की देरी है बस, बाकी सब सेट है तुम्हारे भाई का, कहीं दिक्कत ही नहीं है। और मैंने मुँह में डाल रखी, छुरपी नहीं डाली है, अदरक डाला है देखो, हाँ क्योंकि ठंडे का टाइम आ गया ना, तो खांसी की पूरी दिक्कत रहती है, तो इससे पहले कि खांसी हो थोड़ा थोड़ा अदरक खाते रहो, ताकि जो खांसी है वो रुक जाए, ये एक नेचुरल मेडिसिन टाइप का तुम कह सकते हो। तो खैर अपना काम पूरा करते हैं पहले। कैसे पूछ लिया? ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ रेडी नाउ, रोटी वोटी पका दी हैं और सब्जी भी पकी गई है, बस खाने की देरी है, और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, थोड़ी देर बाद खाएंगे। खाना तो खा लेंगे, बॉबी और ब्रॉक की लड़ाई देखो, ओहो रेफरी नेक हो गया, रेफरी नॉक हो गया। अब बेयर ग्रिल्स आ गया, आग जला रहा है बेचारा, ठंडा लग रहा होगा इसको, इसलिए थोड़ी देर में खाते हैं खाना। मैं देखो मेरी घड़ी रुक गई है, और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? क्या है भाई ये? तेरा घर है ये? हाँ। बकरी नहीं पाल रखी इसमें तूने? ना ना। कुछ नहीं पाल रखा? ना। क्या फायदा फिर? थोड़ी ये नीला नीला क्या है? पानी? हाँ ये पानी है। ये कैसे आ रहा है? ये तो उसके ऊपर आ रखा है। सीड्स? क्या सीड है? मेरी सारी की सारी मतलब पौधे। ये जैसे ये एक ये हमारी नॉर्मल सीड वीट हो गई। अच्छा इतना कौन पूछता है? ये मेरा टेस्ट रूम। आसमान में ज़्यादा नहीं, कितना ऊपर जा सकते हैं तुम? उसके लिए तो दूसरा चाहिए, क्रिएटिव चाहिए उसके लिए। इसमें नहीं उड़ता? हाँ खाली बुस गेम। क्रिएटिव लगा दूंगा तो उससे उड़ जाएगा। खेल अभी पढ़ाई कर रही है ना इसने, थोड़ी देर अपने आप खेलते हैं, मैं खेलने देता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता माइनक्राफ्ट क्या कर सकते हैं, मैं COC खेलता हूँ भाई। तुम मैसे कोई COC वाला हो तो नीचे लिंक में कमेंट जरूर मारना तुम लोग, ठीक है? ओके सो आई हैव ईटन नाउ एंड लेट्स गो टू बेड, ओके आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो, गुड बाय।